गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ऐसा है, हमने चैप्टर नंबर 1 देखा, उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद अब हम आए हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर नंबर 2 में हम वही चीज पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, बट उसी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले होना चाहिए एक ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमने देखा था ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो सेक्शन नंबर 10 ही हम पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मीन्स उसमें जो सेक्शन 10 में इतने सारे वर्ड्स थे उसको एक एक तोड़ के हम अभी देखेंगे। पहला वर्ड हम तोड़ रहे हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को तोड़ के हमने देखा है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस निकल के आता है। तो वही ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर आपका सेकेंड नंबर का चैप्टर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपका सेकेंड चैप्टर पे हम अब चर्चा करना चालू करने वाले हैं। सेकेंड नंबर का चैप्टर, इसको हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम 3 टाइप से देखेंगे, 3 इससे पढ़ेंगे, 3 प्रकार से। मीन्स हम यहां पे क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला जो चैप्टर है, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑफर के बारे में। ऑफर क्या होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस। अब ये जो लॉफुल वर्ड था, ये मैंने बोला था आपको सेकेंड चैप्टर में समझ में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफुल। तो कब ऑफर वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, कब वो किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, वो सब चीजें अब हमको यहाँ पे देखना है, हमको यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो ऑफर पहली चीज देखेंगे हम यहाँ पे। दूसरा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में। और तीसरा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे भेजना है, तो ये कैसे कंप्लीट होगा, कब कम्युनिकेट होगा, ये सब चीजों पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं इस चैप्टर को। पहला पार्ट है ऑफर, सेकेंड पार्ट है एक्सेप्टेंस, थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले अभी हम शुरुआत करने वाले ऑफर वाले पार्ट से। ठीक है, तो ऑफर का क्या मतलब है उस पर अपन अब चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? और बी ने बोला हाँ। तो ये क्या हो गया, यहां पे ए ने जब पूछा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑफर। और बी ने जब हां बोला तो दिस इज एन एक्सेप्टेंस। तो ये जो ऑफर है इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अभी। ठीक है, जो व्यक्ति ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफरर, ऑफरर। जिसको ऑफर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफररी। इस पे एक गाना भी था, मैंने आपको बताया था, ऑफरी ऑफरी ऑफरी। नहीं, वो अलग था, वो आफरी है, आफरी आफरी, उसने जाना की तारीफ। खैर चलो वापस आते हैं। हाँ, तो ऐसा है, तो ऑफर करने वाला ऑफरर, ऑफर पाने वाला ऑफरी। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो ऑफर वर्ड लिखा है, ऑफर का मतलब क्या? तो ऑफर हम अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो वो डेफिनेशन क्या है, क्या बोला गया है, फिर क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अब हमको चर्चा करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑफर क्या है। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कभी भी ऑफर आएगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, नेगोशिएशन होगा, बातें होगी, डीलिंग होगी, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर ऑफर ही नहीं आया तो बात कैसे आगे बढ़ेगी। पहले ऑफर आएगा, ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति जब ए पूछेगा बी से कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, फिर बी पूछेगा अच्छा क्या क्या है, फीचर्स वगैरह बताओ, तो ये सब चीजें बातें चालू होगी, नेगोशिएशंस होंगे। तो
ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफर आएगा तभी तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, विदाउट ऑफर देयर कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस। तो ऑफर पहले आएगा, सबसे पहली चीज है ऑफर, ठीक है, ऑफर आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, लीगल ऑब्लिगेशन रहेंगे और बाकी सब चीजें भी अगर मौजूद रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बाद नेगोशिएशन होंगे, बार्गेनिंग होंगी और फिर जो भी डील है वो कंफर्म होगी, फाइनल होगी, ठीक है। अब आजकल क्या होता है, आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे हैं, आपको पता है बैंक में इतने अकाउंट खुलते हैं रोज जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप एक छोटे से ब्रांच में, अपने घर के पास में जो ब्रांच होगी वहां जाके देखो, तो वहां पे भी रोज के कम 20 अकाउंट खुलते ही होंगे, कम से कम छोटी सी ब्रांच में 20 अकाउंट खुलते होंगे, बड़ी ब्रांच में तो हजारों अकाउंट खुलते हैं। तो बैंक के टोटल इतने सारे अकाउंट्स खुलते हैं रोज। रेलवे रिजर्वेशन, कितने लाखों लोग रिजर्वेशन करवाते हैं ट्रेन का रिजर्वेशन, अब ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, रेलवे रिजर्वेशन, आपको रिजर्व करना है सीट, आपको पैसा देना है, आपको एक जगह अलॉकेट होगी, तो ये सब क्या, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्या यहाँ पॉसिबल है कि हम हर किसी के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट करें? शर्मा जी को बोलेंगे, शर्मा जी आप अगर हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको हम 5% ब्याज देंगे। फिर गुप्ता जी को बोलेंगे, गुप्ता जी आप अगर अकाउंट खोलते हैं ना तो हम सिर्फ 2% ब्याज देंगे, तो सही रहेगा क्या? तो नहीं। तो हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि आप अलग अलग टर्म्स डिसाइड करो, और अगर करते भी हैं तो हर कोई में झगड़ा होगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे रेलवेज हो गई या फिर बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये एक प्रकार से सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हर किसी के साथ बैठ के ऐसे बातें नहीं करते, अपन ऐसा बार्गेनिंग नहीं करते, अरे 5% कम होता ना, 6% दो, ऐसा नहीं होता। आप FD खोल रहे हैं तो जो FD पे 6% मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा, अग्रवाल जी को भी वही मिलेगा, गुप्ता जी को भी वही मिलेगा, पांडे जी को भी वही मिलेगा, सबको वही मिलेगा, अगर सेम ड्यूरेशन है, सेम अमाउंट है, सब चीज सेम है, तो सेम चीज पे सेम प्रकार से इंटरेस्ट, सेम प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होगी। अब इनको ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्यों? क्योंकि इसमें इन लोग क्या करते हैं, हर किसी के साथ एक एक बैठ के अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग पहले से एक फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म में पूरी चीजें लिख देते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख देते हैं, ब्लैंक जगह रहती, आप अपना नाम लिखो, पता लिखो, बाकी टर्म्स कंडीशंस उसमें लिखिए, आपको इतना ब्याज मिलेगा, आपका इतने टाइम तक के इतना मिनिमम बैलेंस रहेगा, तो ये सब चीजें सबके इसमें सेम रहेगी, कॉमन रहेगी। पांडे जी भी अगर अकाउंट खोलेंगे तो सेम रूल्स लगेंगे, गुप्ता जी अकाउंट खोलेंगे सेम रूल्स लगेंगे, शर्मा जी अकाउंट खोलेंगे सेम रूल्स लगेंगे। तो ये जो है ना, इन लोगों ने फॉर्मेट बना लिया, आप सिर्फ उसको फिल करो, आखिर में साइन करना है, आपको और कुछ नहीं करना पड़ता, आखिर में साइन कर दो, उसमें बॉक्स दिया रहेगा या कोई डॉटेड लाइन दी रहेगी, उस लाइन के ऊपर आप साइन कर देते हैं, तो मान लिया जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का एक एग्जांपल है, रेलवे रिजर्वेशन में क्या हर किसी के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, कि शर्मा जी आपको अगर यहाँ से मुंबई तक जाना है तो आपसे हम 2000 रुपये लेंगे, गुप्ता जी को बोलते हैं आपसे सिर्फ 1500 लेंगे, तो ऐसा होता है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कोई ऑटो ऑटो नहीं है कि अपन बोले अरे चल रहा है क्या, खाली है क्या, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबके साथ एक जैसे रूल्स फॉलो होने वाले हैं, और इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ, क्योंकि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हर किसी के साथ आप अलग अलग टर्म्स बनाओ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स बना लिए गए, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, इनको ही हम एडहेसिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो इस पे और चर्चा थोड़ी सी करेंगे अपन आगे चल के, ठीक है। बट एकदम बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, तो अगर आप बुक में इंट्रोडक्शन देखते हैं तो बुक आपने डाउनलोड कर लिए होंगे वेबसाइट से, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आपके वेबसाइट, मेरे वेबसाइट पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगी, तो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो सेकेंड चैप्टर जो है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात बताई गई है। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, द ऑफर और द प्रपोजल। अब देखो दो वर्ड दिया है, ऑफर और द प्रपोजल, दोनों एक ही वर्ड है, तो आप ऑफर के जगह प्रपोजल यूज करो, प्रपोजल के जगह ऑफर यूज करो। आपने अगर प्रपोजल दिया है किसी को, उसका मतलब वही है कि आपने ऑफर दिया है, ठीक है। आपने अगर ऑफर दिया है किसी को, उसका मतलब है आपने प्रपोजल दिया है, ठीक है। तो ऑफर और प्रपोजल इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज थ्रू नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, नेगोशिएशन बार्गेनिंग भावताओं करके टर्म्स डिसाइड की जाएगी, मे स्ट्राइक अ डील रिजल्टिंग इन टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, देयर बाय क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। However, in modern times, आज के दौर में it is not possible due to enormous increase in commercial transactions. तो बहुत सारे enormous increase हुआ, enormous यानी बहुत सारे contracts होते हैं, bank में account बहुत खुलते हैं रोज के, railway reservation बहुत होते हैं रोज के, तो हर किसी के साथ अलग अलग बैठ के सरकार terms decide करेगी, bank terms decide करेंगे, तो it is not possible. और इसीलिए
स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज यूज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स अब यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंश्योरेंस कंपनी प्रिंट्स द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द इंश्योर्ड पर्सन हैज टू सिंपली साइन ऑन द डॉटेड लाइंस इंडिकेटिंग हिज एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कैसा हो जाएगा, सिर्फ साइन करना है उसको, बाकी कोई टर्म्स वगैरह डिसाइड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब उसमें प्रिंटेड है. दीज टर्म्स आर नॉट ओपन फॉर डिस्कशन और बार्गेनिंग, इस पे आप डिस्कशन नहीं करोगे. एंड द अदर पार्टी हैज टू आइदर टेक इट और लीव इट. सच स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द वेरियस कंडीशंस एंड टर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एडहेसिव कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, इनको ही हम एडहेसिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले से प्रिंटेड वाले हैं. These contracts have become the order of the day. आज के दिन की जरूरत हो चुकी है, क्योंकि आज इतने contract होते हैं कि आप हर किसी के साथ अलग contract नहीं कर सकते. ठीक है, फिर तो ये था introduction. Introduction पे generally कोई question नहीं आता, ये सिर्फ introduce किया गया. जैसे मैं आपसे introduction पूछ रहा हूँ तो आप मेरे को अपना नाम वगैरह बताओगे, पता बताओगे कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ये सब चीजें बताओगे. That is called as introduction. यहाँ पे भी हम इस chapter का introduction देख रहे थे, यही चीजें आगे detail में हमको देखना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, व्हाट इज एन ऑफर. अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसमें कहीं भी ऑफर वर्ड को डिफाइन नहीं किया है. पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ऑफर वर्ड की डेफिनेशन नहीं देखोगे. तो क्या वर्ड डिफाइन किया है, यहाँ प्रपोजल वर्ड डिफाइन किया है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ऑफर प्रपोजल वर्ड डिफाइन किया है. लेकिन ऑफर भी बोलना गलत नहीं है, आप ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो, एक ही चीज है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं. ठीक है, बोथ कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म प्रपोजल. ठीक है, तो प्रपोजल को डिफाइन किया है इसमें कि प्रपोजल क्या होता है. ठीक है, तो देखो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजेस द टर्म प्रपोजल इंस्टेड ऑफ ऑफर. ऑफर के बदले इन्होंने प्रपोजल वर्ड यूज किया है. हाउएवर द वर्ड्स प्रपोजल एंड ऑफर आर सिनोनिमस. सिनोनिमस का मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, एकदम चॉपी पेस्ट, तो बिल्कुल एक जैसे है. एंड आर यूज इंटरचेंजेबली. इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इंटरचेंजेबली है ना, दोनों एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं. आप ऑफर के बदले प्रपोजल बोलो, प्रपोजल के बदले ऑफर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करना या कुछ नहीं करना. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, ध्यान दो. तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक है, विलिंगनेस बता रहा है वो, किस चीज की, टू डू कुछ करने की और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. एब्सटेन का क्या मतलब है, एब्सटेन का मतलब है नॉट टू डू. तो जब मैं कुछ करने या कुछ नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस में when one person signifies to another his willingness to do or not to do something, तो मैं कुछ करने या नहीं करने की बात कर रहा हूं, इच्छा जाहिर कर रहा हूं. बट आगे with a view to obtaining the assent of such other person to such act or abstinence he is said to make a proposal. ये हो गई डेफिनेशन. तो अभी आपको नहीं समझेगा कुछ, समझोगे जब आपको वो मैं समझा दूंगा पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगी फिर डेफिनेशन. आप इसको रट नहीं सकते, मैं आपको वैसे हमेशा बोलता हूं कि आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, सीए एग्जाम्स में रटने पे फोकस नहीं करना है. ये डेफिनेशन अपने आप रट जाएगी आपको, आप पहले समझोगे तब, अगर समझोगे नहीं और आप रटना ट्राई करोगे तो इट इज इम्पॉसिबल, बट ये याद हो जाएगा आपको. ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था कोई कोई वर्ड्स ऐसे हैं जैसे void ab initio, आप लोग को लगेगा कि ये क्या है void ab initio, बट अब वो इतना आपसे जुड़ चुका है कि अब आपको आसानी से समझ गया कि void ab initio का क्या मतलब है. ठीक है, तो अब तो आप आपस में भी बात करते टाइम ये वर्ड्स यूज करने लग गए, तो ये होता है. वैसे ये भी जो डेफिनेशन है, अभी पहले समझने पे फोकस करो, क्या बोला है उसमें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दर्शा रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, क्या, हिज विलिंगनेस, एक इच्छा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने या नहीं करने की. जैसे ए और बी वाला एग्जाम्पल, ए बी को पूछ रहा है क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1,00,000 रुपए में, मीन्स ए क्या कर रहा है, एक इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं कार बेचना चाहता हूं. फिर आगे बताया गया है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन, उसकी इच्छा क्या है, ए की इच्छा क्या है, वो कार बेचे और वो आगे वाले से सवाल कर रहा है, उससे जवाब मांग रहा है. ठीक है, तो उसने जवाब मांगा विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, असेंट का मतलब है हां बोलना, तो वो चाहता है कि आगे वाला उसको हां बोले, तो असेंट.
ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, वो आगे वाले से जवाब मांग रहा है, तो उससे हाँ बुलवाना चाह रहा है, ठीक है। तो जोर जबरदस्ती करके नहीं, मारपीट करके नहीं, कोर्शन वोर्शन की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल वो सवाल पूछ रहा है और इच्छा जाहिर कर रहा है। यानी पहली चीज क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब ए ने बी को सिग्निफाई किया हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने या नहीं करने की। तो जब ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो उसने इच्छा जाहिर किया कार बेचने की, ठीक है। तो कुछ करने या नहीं करने की इच्छा जाहिर करना, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, तो वो क्या चाह रहा है कि बी उसको जवाब दे, बी उसको एसेंट दे कि वो खरीदना चाह रहा है या नहीं खरीदना चाह रहा है। तो विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, तो वो जो भी कार्य है उसके लिए वो आगे वाले से जवाब मांग रहा है। ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, तब हम बोलेंगे ए ने प्रपोजल किया है, ऑफर किया है। तो क्या बोला गया है, फिर से एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान दो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अगर आप ये वाले एग्जाम्पल से देखते हैं अपना, तो यहां पे क्या हो गया, ए ने बी को जब पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो ए कुछ करने या नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रहा है और वो चाह रहा है कि बी उसको जवाब दे, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे उसने ऑफर किया है, ए ने ऑफर किया है, ठीक है। अब ध्यान दो आगे जो बात बता रहा हूं, समझो मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपन लोग बातें कर रहे हैं, मैं अपनी कार को देख रहा हूं, मेरे पास है ऑडी आर एट, आपको पता है बड़ा आदमी हूं मैं, तो मेरे पास ऑडी आर एट है। अब क्या होता है, यहां पे मैं खड़े खड़े सोच रहा हूं, यार मैंने आपसे बात करते करते बोला यार ऐसा लग रहा है, सोच रहा हूं कि अगर 3 करोड़ रुपए मिले तो ऑडी आर एट बेच दी जाए। अब बताओ क्या मैंने आपको ऑफर किया, क्या ये ऑफर है, क्या बोला मैंने, ध्यान दो, मैंने बोला यार अगर 3 करोड़ रुपए मिले तो ऑडी आर एट बेच दू। अब यहां मैंने क्या आपको ऑफर किया क्या, आंसर इज नो, मैंने ऑफर नहीं किया, क्योंकि क्या मैंने आपसे जवाब मांगा, मैंने ये बोला कि आप खरीदोगे क्या, तो नहीं, मैंने सिर्फ ये इच्छा जाहिर किया कि ऐसी इच्छा है कि अगर 3 करोड़ रुपए निकले, 3 करोड़ रुपए मिले तो मैं अपनी ऑडी आर एट बेच दू। तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि यहाँ विलिंगनेस तो है, इच्छा तो है कि मैं बेचना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा। तो देखो यहाँ ऐसे ही खेल रहता है, वर्ड्स का खेल है पूरा। जब आप कोई भी लॉ पढ़ रहे, यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं आप, आगे टैक्सेशन पढ़ोगे, इसके आगे फिर फाइनल में डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह पढ़ोगे, अगले साल आप जीएसटी इनकम टैक्स ये सब पढ़ोगे, तो ये सब जो है ये सब भी लॉ है, ये सब भी कानून है, टैक्स लॉज बोलते हैं, कंपनी लॉ पढ़ोगे आगे चल के, तो ये सब क्या है, ये सब कानून है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सब में वर्ड्स का खेल है, एक वर्ड इधर से उधर हुआ कि पूरा मीनिंग बदल जाता है, पूरा वर्ड्स का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि यार इच्छा है कि अगर 3 करोड़ रुपए निकले तो मैं कार बेच दू। ऐसे केस में ये क्या एक ऑफर है, आंसर इज नो, इट इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि यहां मैंने इच्छा तो जाहिर किया, मैंने एक इच्छा बताया कि मैं कार बेचने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, इट वॉज नॉट मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, मैंने आगे वाले से जवाब नहीं मांगा, तो इट इज नॉट एन ऑफर। तो ऑफर होने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें ऑफर में, दो ही चीज है, फर्स्ट विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, पहली चीज है विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कुछ करने या नहीं करने की। दूसरी चीज है विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, तो दूसरे व्यक्ति से मैं जवाब मांग रहा हूं, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, तो दोनों चीज होना चाहिए, अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो इट इज नॉट एन ऑफर, तो दोनों चीज होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये आपको दिया भी है विद एग्जाम्पल, तो देखो तो पहले डेफिनेशन बता देता हूं, फिर से एक बार रीड कर ले रहा हूं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। अब मैं आपको बता दूं, आप एब्सटेन की जगह नॉट टू डू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला हूं कि आपके कुछ वर्ड्स तो वैसे ही आना चाहिए, जहां वॉइड है वहां वॉइड ही आना चाहिए, जहां पे वैलिड है वहां वैलिड ही आना चाहिए, बट यहाँ पे एब्सटेन के जगह आप नॉट टू डू लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप एब्सटेन के जगह नॉट टू डू लिख सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग की जगह समथिंग लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप वर्ड्स कुछ भी यूज करो, कनेक्ट कैसे भी करो, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए।
ये दो वर्ड तो वैसे ही रहेंगे, विलिंगनेस और एसेंट, ये दो वर्ड तो आपको वही लिखना है, ठीक है। बट बाकी चीजें आप कैसा भी उसको जोड़ो, कैसा भी कुछ भी उसको कंजंक्शंस यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मीनिंग ना बदले। अगर मीनिंग बदल रहा है तो आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी डेफिनेशन आती है तो आप उसमें सिंपल वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं, नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। तो दो चीज निकल के आई इसमें से, देर आर टू एलिमेंट्स। फर्स्ट, इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द विलिंगनेस, विलिंगनेस होना चाहिए टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज टू बी, विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, दिस इज अ डिक्लेरेशन टू सेल द कार, ठीक है। तो उसने डिक्लेयर किया, उसने विलिंगनेस बताया, इच्छा बताया कि मैं ये बेचना चाह रहा हूं। दिस डिक्लेरेशन इज मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, उसने सवाल भी पूछा है उसमें, क्या तुम मेरी कार ₹2 लाख में खरीदोगे, तो उसने सवाल भी पूछा है। तो दोनों चीज है इसमें, विलिंगनेस भी है एंड विद अ व्यू टू मेक द ऑब्टेन द एसेंट, दोनों चीज है। तो वही बताया, दिस डिक्लेरेशन इज मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, दस अ कैजुअल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखो, अगर मैं एक कैजुअल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, यार अगर पैसे मिले तो मैं अपनी कार बेच दूं, अगर ₹50,000 मिले तो मैं अपनी कार बेच दूं, ये क्या है, ये ऑफर नहीं है, ठीक है। तो भाई दिया है, दस अ कैजुअल स्टेटमेंट दैट आई मे सेल माई मारुति कार इफ आई गेट ₹2 लाख फॉर इट, मेरे को अगर ₹2 लाख मिलेंगे तो मैं अपनी मारुति कार बेचने की सोच रहा हूं, तो ये ऑफर नहीं है, ठीक है, या मैं बेच दूंगा, ये भी ऑफर नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं कि अगर ₹2 लाख मिले तो मैं अपनी कार बेच दूंगा, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछ रहा आप खरीदोगे क्या, एंड हेंस इट इज नॉट एन ऑफर। ऑफर होने के लिए दोनों चीज होना चाहिए, फर्स्ट देयर शुड बी विलिंगनेस, सेकेंड देयर शुड बी अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, आगे वाले से हम असेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट अ प्रपोजल, नॉट अ प्रपोजल, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन, आप दूसरे से जवाब नहीं मांग रहे थे और इसीलिए यहां पे वो ऑफर नहीं कहलाता, ठीक है। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर और प्रोमिसर, एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी और प्रोमिसी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जनरली यूज करते हैं, जो ऑफर कर रहा है उसको ऑफरर, जिसको ऑफर मिला उसको ऑफरी, ऐसे वर्ड्स जनरली देखोगे आप, जैसे प्रॉमिस कर रहा है प्रोमिसर, दूसरा व्यक्ति प्रॉमिसी, ठीक है। जैसे डोनर डोनी, ट्रांसफरर ट्रांसफरी, डेटर डेटरी, नहीं डेटर डेटरी नहीं होता, हर जगह रूल नहीं लगते, ठीक है, डेटर क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो ऐसा है, टीचर टीची नहीं होता, टीची होता क्या, आप टीची हो क्या, नहीं स्टूडेंट होता है, तो हर जगह रूल नहीं लगते। खैर, हाँ, ये जो इलस्ट्रेशन है इसको हम कुछ समय बाद करेंगे, तो इसको आप लिख के रख लो कि ये बाद में करेंगे, अभी नहीं देखेंगे अपन ये इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन यहीं पे है, यहीं पे पढ़ना है अपने को, बट इसके लिए पहले मेरे को कुछ और चीजों की जानकारी देना आवश्यक है, आपको कुछ और भी चीजें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने डेफिनेशन देखा है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इच्छा जाहिर कर रहा है कुछ चीज करने की या कुछ चीज नहीं करने की, और वो चाहता है कि आगे वाला उसको जवाब दे, उसको हाँ बोले, ऐसी केसेस में वो एक ऑफर कर रहा है, वो एक प्रपोजल रख रहा है, ठीक है। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा इसमें और डीप में जाएंगे। तो इसमें अपन अब आगे की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, तब तक आपके यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अगर यहां तक ऑफर वगैरह की डेफिनेशन में कुछ चीज नहीं समझी होगी तो आप पूछ सकते हैं, कभी कभी हैंग होता है मेरा सिस्टम। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो भी डाउट रहेंगे वैसे एक साथ मैं पूछ लूंगा, जैसे ऑफर का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो तब तक अपन जो भी डाउट होंगे आप ध्यान रख सकते हैं, आगे पूछ लेना, ये आगे आएगा, अभी अपन इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं सेकेंड पेज पे, 2.1A, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। जो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर, वो जो लॉफुल वर्ड है ना, वो मैंने आपको बोला था सेकेंड चैप्टर में समझेगा, और वो सेकेंड चैप्टर में समझने का अब वक्त आ चुका है। तो वक्त आ चुका है मेरे दोस्त, अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफुल। तो लॉफुल का क्या मतलब है, तो लॉफुल यानी
उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे वो पढ़ने वाले, लीगल रूल्स कि ऑफर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, कैसा हो सकता है ऑफर, कैसा नहीं हो सकता है, वो सब अपने को डिटेल में देखना है। तो दिस इज कॉल्ड एज द लीगल रूल्स। ठीक है, तो पहली चीज है इसमें, एन ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का क्या मतलब है, पिछले क्लास में मैंने आपको चीख चीख के बताया था एक्सप्रेस का मतलब, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने एक्सप्रेस का मतलब। एक्सप्रेस का मतलब है आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कोई भी चीज आपको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करते हैं, आप या तो बोल के करते हैं या लिख के करते हैं। जैसे समझो मेरे को किसी से शादी करना था, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको सीधे जाके पूछूंगा क्या तू मुझसे शादी करेगी। अब ये क्या है, ये एक एक्सप्रेस ऑफर हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनको डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, वो डायरेक्ट जाके बात नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो लेटर लिख के भेजेंगे क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो ले ले जाके उसको चिपका देंगे। अब उसको दे देंगे, या तो डायरेक्ट देंगे या फिर ऐसा घुमा फिरा के, दोस्त के थ्रू ऐसा घुमा फिरा के पहुंचा देते हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है, समझ संभल के रहना पड़ता है वहां, नहीं तो पता लगा आपने यहाँ पे लेटर लिखा था और उसने दिया और वो चला गया उसके साथ, ऐसा भी होता है। ऐसा होगा यानी जाला फेंका आपने, मछली कोई और ले गया। तो खैर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, बट एग्जाम्पल ध्यान रखो। एक्सप्रेस का क्या मतलब है, ये दोनों ही एक्सप्रेस है, जब वर्ड्स में बोला गया वो भी एक्सप्रेस था, क्या तू मुझसे शादी करेगी, ये भी एक्सप्रेस है, लिख के दिया तो ये भी एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब है इट शुड बी इन वर्ड्स, इट मे बी ओरल और रिटन, बट बोथ आर एक्सप्रेस, दोनों ही एक्सप्रेस है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको बहुत डर लगता है, तो वो लोग पूछते ही नहीं, ना पूछते ना लिखते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो क्या करेंगे, जैसे मेरे को अगर प्रपोजल रखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा चल अपन कॉफी पीने चलते हैं, कॉफी पीने जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, कॉफी ऑर्डर करके आऊंगा, लेके आऊंगा, लाते लाते मैं क्या करूंगा, एक गोल्डन रिंग रहेगी, वो रिंग उसके कॉफी में डाल दूंगा। अब वो कॉफी में डाल दिया और उसको पीने को मैंने दे दिया। यहाँ पे जब वो कॉफी पीती है उसमें से रिंग निकलती है, और रिंग निकलती है तो बोलती हाँ मेरे को प्रपोज किया, मींस ये क्या हो गया, यहाँ मैंने कुछ बोला तो नहीं, लिखा भी नहीं, लेकिन उसको कैसे समझा प्रपोजल मिला है, क्योंकि उसको एक रिंग दी गई है और रिंग देना इन्हें प्रपोजल कहलाता है। ठीक है, तो शादी का जब वादा करते हैं तो रिंग दी जाती है, तो ये जो रिंग दिया इसको हम क्या बोलेंगे, ये इम्प्लाइड ऑफर है, ये भी ऑफर है, इट इज नॉट एक्सप्रेस, ये वर्ड्स में नहीं है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है मान लेना, तो यहां पे मान लिया जाएगा। एक्सप्रेस का मतलब है इन वर्ड्स और इम्प्लाइड का मतलब है नॉट इन वर्ड्स, मीन्स यहां पे आपने मान लिया। ठीक है, कि ऑफर आया है, तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं कुछ लिखा नहीं, बट फिर भी हमने मान लिया कि एक ऑफर आया है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड ऑफर, क्योंकि मैंने रिंग दिया था। तो कई बार आप भी रिंग देते हैं, वो रिंग अलग हो जाता है, वो रिंग अलग चीज है, तो खैर ठीक है। हाँ, तो पढ़ के देखते हैं, वेन द ऑफर इज मेड इन वर्ड्स, अगर वो शब्दों में बोला या लिखा गया है, इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस। एन इम्प्लाइड ऑफर इज वन विच इज इन्फर्ड, यानी देख के पता लग रही है, समझी जा रही है, फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टी और फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी यहां बोला कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं, लेकिन जो कार्य किया है ना उससे समझ में आ रहा है कि प्रपोजल दिया है। ठीक है, तो मैंने जब अंगूठी चाय के कप में, कॉफी के कप में डाल के खसकाया और उससे अंगूठी निकली, गोल्डन रिंग निकली, तो वहां पे इट इज अ प्रपोजल, ये भी एक प्रपोजल कहलाता है। ठीक है, मैं आपको ये समझा नहीं रहा ऐसे करना वैसे करना, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, अगर इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध निकले तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो खैर ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, तो देखो ये मेरा एक्चुअल केस भी नहीं है, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ चलो, तो देखो आगे दिया है, सेक्शन 9 स्टेट्स, सेक्शंस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इन सो फार जब तक के एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस इज इन वर्ड्स, इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस, अगर वर्ड्स में है तो एक्सप्रेस। वर्ड्स कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। फिर इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा है, देन इट इज सेड टू बी इम्प्लाइड, जैसे यहाँ पे नॉट इन वर्ड्स, तो इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल पहला दिया है व्हेन एमएसआरटीसी बस रन्स, तो एमएसआरटीसी क्या है, तो ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र के हिसाब से,
महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग बस होती है ना, लोकल बस, ठीक है, जो एसटी बस होती है ना अपने यहाँ, स्टेट बस, तो अपने यहाँ की जो बस है तो वो एमएसआरटीसी है, ठीक है। दिल्ली में अलग चलती है, मुंबई में बेस्ट चलती है, सब जगह अलग अलग बस चलती है, तो वैसे ही यहाँ पे एमएसआरटीसी। तो व्हेन एमएसआरटीसी बस, जो लोकल बस होती है, रन ऑन स्पेसिफिक रूट, तो वो एक स्पेसिफिक रूट पे चलती है, जैसे बर्डी से पारडी तक जाएगी वो, तो उसमें लिखा होता है बर्डी पारडी। अब यहाँ पे व्हेन इट रन ऑन स्पेसिफिक रूट देयर इज एन इम्प्लाइड ऑफर, ये इम्प्लाइड ऑफर है टू कैरी पैसेंजर्स फॉर अ सर्टन फेयर, कि कुछ पैसा लिया जाएगा और आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ बोला लिखा नहीं जाता, यहाँ तो सीधा आपको अगर वहां पे जाना है उस रूट पे, तो आप क्या करते हैं, आप बस पे चढ़ जाते हैं, कंडक्टर आता है, आप उसको पैसा देते हैं और टिकट ले लेते हैं। तो ये इम्प्लाइड था, यहाँ पे आप जैसे ही बस बोर्ड कर रहे हैं उसका मतलब है आपको उस पर्टिकुलर रूट में कहीं ना कहीं जाना होगा, ठीक है। तो बर्डी से पारडी के बीच में कहीं तो भी जाना होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड था वो कि वो बस आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाएगी, ठीक है, इट इज इम्प्लाइड। वहां पे बोलते नहीं वो लोग, ड्राइवर ऐसा पूछेगा नहीं, हाँ भाई जाना है क्या, जाना है क्या, वो ऑटो नहीं है वो, ऑटो वाले पूछते हैं, हाँ भाई बर्डी चलना है क्या, तो वो ऑटो की बात अलग होगी। बट यहाँ पे ये लोग पूछते नहीं, आप जैसे ही बोर्ड कर रहे हो तो मान लिया जाएगा कि आपको उस रूट पे जाना है, ठीक है। तो ऑफर यहाँ पे बोला नहीं जाता, ठीक है। बाकी मैंने भी एग्जाम्पल दिया, वो भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ बस का है, तो बस जब एक पर्टिकुलर रूट पे चलती है तो उसका इम्प्लाइड ऑफर होता है कि वो उस पर्टिकुलर रूट पे कहीं भी, जो भी बस स्टॉप है वहां पे आपको ड्रॉप कर देगी, ठीक है। ऑफ कोर्स फॉर अ सर्टन फेयर, पैसा लिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपने देखा होगा वेइंग मशीन होती है रेलवे स्टेशन पे, आजकल तो नहीं देखी जाती, बट जब हम लोग छोटे छोटे थे या आप छोटे छोटे थे उस टाइम पे आपने देखा होगा एक वेइंग मशीन होती थी, जैसे रेलवे स्टेशन पे ऐसी मशीन रख देते थे, ऐसे उसमें चक्री घूमती रहती थी अंदर, लाइट वाइट घूमती रहती थी, ऐसी गोल 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 ऐसा रहता था और चक्री रहती थी, उसके ऊपर आप जाके खड़े होते थे, उसमें आप 1 रुपए का कॉइन डालते थे और वहां से एक चिट्ठी निकल के आती थी, उसमें आपका वजन बताया जाता था। तो ये जो वेइंग मशीन है, क्या इसने आपको बुलाई क्या, वेइंग मशीन ने बुलाई क्या, इधर आओ इधर आओ, नहीं, वेइंग मशीन बुलाती नहीं, लेकिन वो क्या है, वो एक इम्प्लाइड ऑफर है कि अगर आपको आपका वेट निकालना है तो आप जाओ उस पे खड़े हो जाओ, पैसे डालो, आपको आपका वेट निकल के आ जाएगा। तो ये जो वेइंग मशीन रखी होती है रेलवे स्टेशन वगैरह पे या कोई गार्डन्स वगैरह पे रहती है, तो ये वेइंग मशीन क्या है, इट इज ऑल्सो एन एम्प्लाइड ऑफर। तो वेइंग मशीन ऑफर है, उससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो 1-1 रुपए करके काफी पैसा जमा हो जाता है, ठीक है। तो वही दिया है, अ वेइंग मशीन एट अ रेलवे स्टेशन इज एन एम्प्लाइड ऑफर टू यूज द मशीन बाय इंसर्टिंग द रिक्वेजिट कॉइन। तो जो भी कॉइन रिक्वायर्ड है वो आप उसमें इंसर्ट करो और आपका वेट पता लग जाएगा। अ पर्सन हु इंसर्ट्स द कॉइन एक्सेप्ट्स द ऑफर, ठीक है। तो जो भी पैसा डालता है और उस पे खड़े हो जाता है तो मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, उसको उसका वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो पहली चीज है, ऑफर कैसा हो सकता है, इट कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट कैन बी इन वर्ड्स रिटन और ओरल और इवन इन्फर्ड बाय द एक्ट, कार्यों से भी समझ सकता है, ठीक है। तो ऐसा है। सेकेंड पॉइंट, एन ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है। अब स्पेसिफिक का क्या मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब है जब एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया गया है, जैसे कि सेम एग्जांपल, ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो ये एक ऑफर था। ये ऑफर किसको भेजा गया है, ये बी को भेजा गया है, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिकली ये बी को ही बोला गया है, बी को पूछा है कि क्या तुम खरीदोगे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑफर यानी क्या, जो स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, या कभी कभी एक कम्युनिटी को भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है समझो एलआईसी, एलआईसी जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑफर दे रही है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीए लोग हैं बहुत सारे, इन लोगों को ऑफर दे रही है कि अगर आप एलआईसी की ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ 50% प्रीमियम मिलेगा। ये ऑफर किसके लिए है, सिर्फ ये सीए कम्युनिटी के लिए है, तो इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक ऑफर, ये जनरल ऑफर नहीं है, ये स्पेसिफिक है, भले बहुत सारे लोगों को है बट ये बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली सीए ही होना चाहिए, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है। तो ऑफर स्पेसिफिक तब होता है जब वो स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया गया है या फिर स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिया गया है। जैसे कई बार डॉक्टर्स के लिए भी ऐसे ऑफर आते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको एलआईसी जो है वो सस्ते दाम में मिल जाएगी, या फिर सीए हो तो आपको टैली का सॉफ्टवेयर, एक टैली होता है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बड़े सस्ते दामों में हम दे देंगे।
तो ये भी होता है। तो इस प्रकार से जो ऑफर रहते हैं ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक ऑफर्स है, ठीक है। ये सिर्फ सीए लोगों को लगेगा। जैसे कि अगर आपको टैक्समैन की बुक मंगवाना है तो आप अगर वहां पे मेरा रेफरेंस दोगे कि हम शशांक सर के स्टूडेंट है तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी एक स्पेसिफिक ऑफर है, ये सिर्फ शशांक सर के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑफर है ये क्या है, ये स्पेसिफिक ऑफर है, ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन और दैट ग्रुप दैट कम्युनिटी, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर। दूसरा प्रकार होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, जैसे समझो मेरी ये सगाई की अंगूठी थी, ये अंगूठी मेरी गुम गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं अनाउंस करूंगा कि जिसको भी मेरी अंगूठी मिलेगी, जो भी जिसको भी छपड़ेगी, जो मेरे को ढूंढ के लाके देगा, छपड़ना है ना मिलना, तो जिसको भी छपड़ेगी और जो मेरे को लाके देगा मैं उसको 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। अब यहाँ पे मैंने अनाउंस किया हूं सबके लिए, कोई भी व्यक्ति उसको ढूंढ के ला सकता है। तो ये क्या हो गया, ये जनरल ऑफर हो गया। जिसको भी अंगूठी मिलेगी और वो मेरे को अगर लाके देता है तो मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। ये क्या है, ये एक जनरल ऑफर है, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये आपको सुनाई आया, आपको मिलती है अगर अंगूठी, आप लाके देते हैं तो आप भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरल ऑफर है, सबको दिया गया है। फिर कोई अपने क्लास में नहीं है, बाहर कोई सुन रहा है, बाहर से जा रहा था कोई व्यक्ति, उसने सुन लिया कि शशांक सर ऐसा बोल रहे हैं, उसको छपड़ती है अंगूठी और वो लाके मेरे को दे देता है, तो दैट इज ऑल्सो अ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर था वो भी वैलिड है, उसने ढूंढ के लाके दिया तो मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जनरल ऑफर किसको दिया गया है, क्या मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया, तो नहीं, ये जनरल है, सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो मैंने पेपर में छापा, जैसे जैसे मेरे अंगूठी घूम गई, या मेरा जो डॉगी है लासा, लासा था ना मेरा, तेरे नाम जैसे बाल होते हैं उसके, तो वो जो लासा था वो लासा घूम गया मेरा। अब यहाँ पे मैं पेपर में छापूंगा, लासा की फोटो रहेंगी और मैं बोलूंगा कि जिसको भी ये लासा छपड़ता है वो मेरे को वापस लाके देंगे, तो मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। ये क्या है, ये भी एक जनरल ऑफर है, पेपर में छापा, किसी को भी मिले वो लाके देगा तो उसको पैसा क्लेम करने का अधिकार है, ठीक है। तो इट इज अ जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर का क्या मतलब है, जो किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट करने का अधिकार रहता है, जिसको स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं दिया है या स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर, ठीक है। तो दो प्रकार के ऑफर हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। इस पे केस लॉज है, केस लॉज अपने को पढ़ना है, तो उसके पहले थोड़ा पॉइंट अपन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एन ऑफर टू डॉक्टर्स इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर। When the offer is addressed to public at a large, अगर public को दिया गया है, it is called as a general offer. जैसे मेरे अंगूठी घूमने का जो offer था वो general offer है, मैंने बोला जो भी ढूंढ के लाएगा, तो बाहर कोई बैठा है उसने सुन लिया, बाहर से कोई जा रहा था, ये भी जरूरी नहीं वो भारत का हो, समझो वो बाहर का था, फिरंगी था कोई, इंग्लैंड का कोई सिटीजन था, वो जा रहा था सामने से, उसने सुना कि शशांक सर बोल रहे हैं जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा, उन्होंने सुन लिया, वो लेके आता है तो उसको भी 50,000 क्लेम करने का अधिकार है, ठीक है। तो किसी को भी अधिकार है, इट इज नॉट नेसेसरी ही शुड बी इंडियन, ही शुड बी रिलेटेड, कोई जरूरत नहीं, पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा है, तो वही दिया, इट इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर। व्हेन द ऑफर इज एड्रेस टू पब्लिक एट अ लार्ज, इट इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर। अ स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन ओनली, वाइल द जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सेम एग्जाम्पल है, मैंने अंगूठी का जो एग्जाम्पल लिया था उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए एडवर्टाइजेस दैट हूसोएवर फाइंड्स एंड ब्रिंग्स हिज लॉस्ट ब्रीफकेस टू हिम शैल बी पेड ₹500। इट इज अ जनरल ऑफर एंड व्हेन बी फाइंड्स आउट द ब्रीफकेस एंड ब्रिंग्स इट टू ए, इट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। तो उसने ढूंढ के लेके आया, तो बेचारे ने इतना काम किया तो उसको पैसे मांगने का अधिकार है, ठीक है। तो मैंने अनाउंस किया था कि मैं 50,000 रुपए दूंगा, तो उसको पैसा क्लेम करने का अधिकार रहेगा, क्योंकि जो भी वो कार्य कर देगा तो उसको पैसा लेने का अधिकार है, ठीक है। एक वालिद का क्वेश्चन आया, सर पीएम मोदी जी ने भी तो पैसे देने का प्रॉमिस किया था, तो अपना अधिकार है क्या क्लेम करने में? तो पीएम मोदी जी में आपने उनको क्या दिया बताओ, कुछ दिया क्या आपने? तो नहीं, कंसिडरेशन है क्या? नहीं, तो इसलिए वहां क्लेम नहीं कर सकते। मेरे अंगूठी वाले एग्जाम्पल में कंसिडरेशन है क्या? यस, मेरे बोलने पे उसने कार्य किया, उसने ढूंढ के लाया ना, तो यहाँ पे मोदी जी ऐसा नहीं बोल रहे जाओ ढूंढ के लाओ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो सेठ जी और बाबा जी वाला एग्जाम्पल हो गया वो, ठीक है, तो वो उसमें फिर क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ऐसा है,
इलेक्शन जीते वो अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई अपन ने कुछ किया, वो तो वोट्स दिए सब लोगों ने, तो वो उसको अपन नहीं गिन सकते। तो कभी भी अपन ने क्या सोचना चाहिए, अपन ने देश को देने के लिए सोचना चाहिए। जब भी आप कभी बात करते हैं तो अपन ने ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि देश से हमको क्या मिल रहा है, हमने ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का डिफर कर सकता है, बट मेरा ये ओपिनियन है कि हमने कभी भी ये सोचना चाहिए यार हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो अपन ने कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपन ने कुछ अच्छा करना चाहिए, अपन ने कुछ बड़ा क्लेम करना चाहिए, यानी अपन ने अमीर हो जाना चाहिए और फिर अपन ने देश की सहायता कर सके, तो इतना अपन ने खुद करना चाहिए। जैसे अंबानीज वगैरह करते हैं, तो भले अपने को लगता है वो तो बड़े अमीर है, कई लोग बोलते दान क्यों नहीं कर देते, अब वो बेचारों ने मेहनत से कमाया तो दान काय को कर देंगे, तो ऐसा होता है। खैर छोड़ो, अपन पॉलिटिकल इसमें नहीं जाते अभी, तो अपन डायरेक्टली अभी अपने इस पे आ जाते, अपने केस पे आ जाते। तो ऐसे जनरल ऑफर्स हो सकते हैं जिसमें कोई कार्य करने का वादा किया जाए, कुछ कार्य किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर। जैसे मेरे अंगूठी घूमने का, तो ये एक जनरल ऑफर था, ठीक है। तो मैं जनरली ये क्वेश्चन लेता नहीं हूं ऐसे, क्योंकि ये आगे आने वाले कंसिडरेशन वाले चैप्टर में अपन ये डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये वहां पे मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको कि कंसिडरेशन कैसा होता है, क्या होता है। अभी अपन वो कंसिडरेशन वाले पॉइंट पे नहीं आए, अभी सिर्फ हम ऑफर देख रहे हैं, ठीक है। अभी एक्सेप्टेंस भी नहीं देख रहे अपन, सिर्फ ऑफर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे आपने जिसमें बोला होता है कि प्योरिट का 1 करोड़ चैलेंज, क्या वो ऑफर है? आंसर इज यस, वो ऑफर है। प्योरिट का जो 1 करोड़ चैलेंज है ना, वो ऑफर होता है। फेयर एंड लवली का 1 करोड़ चैलेंज कि आप इससे ज्यादा गोरापन लेके आओ तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, ये ऑफर है, ठीक है। कैसे ऑफर है? क्योंकि यहाँ पे आपको वो कुछ करने का बात कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ लेके आओ जिससे आप ज्यादा गोरे हो जाओ, या आप पानी ज्यादा स्वच्छ कर दो तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी टर्म्स कंडीशंस भी ध्यान रखना पड़ता है। आप जब उनकी टर्म्स कंडीशंस देखोगे ना, उसमें बारीक बारीक चीजों में लिखा होता है। जैसे प्योरिट के 1 करोड़ चैलेंज में लिखा होगा बारीक बारीक कि आप जो स्वच्छ पानी लाओगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज नहीं कर सकते, या ऐसी कुछ कंडीशंस रहेगी, आरओ का पानी नहीं चलेगा, तो ये सब लिखेंगे वो, ठीक है। यानी वो ऐसी कंडीशंस होती है, अगर आप वो फॉलो करते हैं उसके बावजूद उससे स्वच्छ पानी बना के बताते हैं तो फिर आप क्लेम कर सकेंगे, ठीक है। वॉन्टेड के जो ऑफर्स होते हैं ये एक पूरी तरह से वैलिड ऑफर्स होते हैं। जैसे शोले मूवी देखा होगा आपने, बहुत जमाने पहले की बात है, जब आप छोटे छोटे थे, आप तो थे ही नहीं, मैं भी नहीं था उस टाइम पे, शोले मूवी जब आई थी तो उस जमाने की बात है। उस जमाने में गब्बर सिंह के ऊपर कितने का इनाम था? तो 50,000 का इनाम था उस टाइम, बहुत होता था 50,000, कि जो भी गब्बर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसको 50,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। अब ये जो है ना वॉन्टेड वाला रहता है, ये क्या होता है, ये भी जनरल ऑफर है। जो भी व्यक्ति उसको पकड़ेगा, ढूंढ के लाएगा, उसको फिर वो पैसा क्लेम करने का अधिकार है। आपने कैडबरी डेयरी मिल्क का एड देखा होगा, शॉर्ट्स, कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स, उसमें एक होता है वो चोर भागते रहता है, चोर भागता है और एक मोटा सा आदमी खड़ा रहता है, उसके सामने आता है चोर, वो देखता है ऐसा मोटा सा आदमी। अब वो चोर जाता है, जाते हुए ऊपर दीवार कूद के जाता है दूसरे साइड, और उसको मोटे आदमी को बोलता है ए चुप रहना नहीं तो मार डालूंगा। अब वो जब कूदता है चोर, तो उसका जो बैग है बैग में से पैसे गिर जाते हैं सामने एक डब्बे में, और डब्बा बंद हो जाता है। फिर पुलिस आती है तो पूछती है कहाँ है, तो वो बताता है वो पीछे गए। तो यहाँ पे उसको बाद में पोस्टर दिखता है वांटेड का, वांटेड वाला जो पोस्टर है उसमें लिखा होता है अगर आप इसको ढूंढ के बताते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ उसने ढूंढ के बताया तो उसको पैसा क्लेम करने का अधिकार था, ठीक है। ये जो एड है, ये एड देखा होगा आपने, ऐसा मेरे को लग रहा है, जहां तक आपने भी देखा होगा ये एड। तो एक एड है कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स, 2 रुपए में 2 लड्डू। पहले जब वो पैसे गिरते हैं और डब्बा बंद हो जाता, तब आवाज आती मन में लड्डू फूटा, वो बोलता हाँ। फिर बाद में फिर से उसको जो वांटेड का वो दिखता है पोस्टर, फिर एक और आता है मन में एक और लड्डू फूटा, वो बोलता है हाँ। तो ये जो है ये क्या है, ये जनरल ऑफर था कि जब भी वो वांटेड, अगर आपने उसको चोर को पकड़ लिए तो आपको पैसा क्लेम करने का अधिकार है, ठीक है। अब खैर जनरल बातों के बाद में हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक बातों पे। एक केस हुआ था, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, विथ नेम याद रहेगा अपने आप, कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस था। तो ये कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में क्या हुआ था, एक जमाने की बात है, एक्चुअल केस है तो फैक्ट्स पे ध्यान दो। एक जमाने की बात है, बहुत पहले ऐसा इन्फ्लुएंजा फैला था, जैसे अभी कोरोना फैला था, तो कोरोना जो है वो एक बीमारी है, उस प्रकार से इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी फैली थी। उसमें भी ऐसे ही लोग बीमार होते थे, सर्दी खांसी होती थी, खोखला खांसी, और गचक जाते थे, गचक जाना यानी मर जाना,
मर जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम बोलते घचक गया, तो घचक जाना यानी डेथ हो जाना। तो लोगों की डेथ हो जाती थी, घचक जाते थे लोग। अब क्या होता है, एक कंपनी होती है वो एक दवाई बनाती है, जैसे कोरोना में लोगों का सबका चल रहा है कि दवाई बनाई जाए, दवाई बनाई जाए, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, वैसे ही उस टाइम पे एक कंपनी ने क्लेम किया, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उन्होंने क्लेम किया कि हमने एक स्मोक बॉल बनाया है। स्मोक बॉल यानी एक ऐसा इनहेल करने के कुछ बॉल्स थे, तो वो स्मोक बॉल बनाया है हमने, जो स्मोक बॉल है वो अगर आप दिन में 3 बार उसको स्मेल करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऐसा अगर आप 2 हफ्ते तक करते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, आप बीमार नहीं होगे, ठीक है। तो उसने कंपनी ने एक दावा किया कि अगर आप 2 हफ्ते तक के दिन में 3 बार ये दवाई लेते हैं तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, बीमार नहीं होंगे। और वो 1,000 पाउंड जमा कर देते हैं इन बैंक, तो 1,000 पाउंड यानी अपना वेट निकाल के जमा नहीं कर रहे, कितना अच्छा होता है ना वेट निकाल के जमा कर दिए, तो नहीं तो पाउंड यानी करेंसी है, इंग्लैंड की करेंसी है तो पाउंड बोलते हैं उसको। तो जो पाउंड है, 1,000 पाउंड बैंक में जमा करते, और वो ये भी बोलते हैं कि हमारी दवाई लो, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर होता है तो ये जो 1,000 पाउंड जमा है ना बैंक में, वहां से 100 पाउंड हम आपको इनाम देंगे, मीन्स 100 पाउंड आपको दिया जाएगा अगर उसके बावजूद आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो दवाई लेने के बावजूद बराबर प्रिकॉशंस वगैरह सब लो, उसके बाद भी हो गया तो हम आपको 100 पाउंड इनाम देंगे। अब यहाँ पे एक आंटी जी होती है कार्लेल, कार्लेल क्या करती है, कार्लियल देखती है अरे वाह कितना अच्छा ऐड है, ऐड पेपर में आता है, ऐड देखती है कितना सही ऐड है, कितना अच्छा, अपने को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हो गया तो 100 पाउंड मिल जाएंगे, तो दोनों जगह विन विन सिचुएशन है। वो जाती है दुकान में, दुकान जाके वो उस स्मोक बॉल को खरीद के आती है, खरीद लेती है, उसके बाद बराबर उसको यूज करती है एज पर दी प्रिंटेड डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन थे, दिन में 3 बार उसको इनहेल करो, 2 हफ्ते तक करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब चीजें जो बताई गई थी वो उसको प्रॉपरली प्रिकॉशंस यूज करती है, इसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब ये पहुंच जाती है कंपनी के पास पैसे क्लेम करने, कंपनी अब मना कर देती है, हाथ झटक देती है, अरे हट ये थोड़ी है, तो ऐसे ही बोले थे हमने, ये कोई पैसा देने का हमारा एम थोड़ी था। लेकिन जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट में बोला जाता है कि यस मिसेस कार्लेल को अधिकार है कि वो पैसा क्लेम कर सके, बिकॉज जो कार्बोलिक स्मोक बॉल ने जो पेपर में छापा था दैट वॉज अ जनरल ऑफर, तो ये जनरल ऑफर था, पेपर में आपने छाप दिया कि जिसको भी दवाई लेने के बावजूद इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम पैसा देंगे, तो दैट इज अ जनरल ऑफर, और कोई भी व्यक्ति जब वो दवाई ले रहा है तो उसने वो एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक जनरल ऑफर, ये केस हुआ था कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, तो इसमें यही बताया गया था कि जनरल ऑफर हो सकता है अगर आप पेपर में इस प्रकार का एड देंगे, तो जैसा मैंने आपको प्योरिट का 1 करोड़ चैलेंज बताया वो भी इसी प्रकार का है, या लासा का एग्जाम्पल बताया, लासा गुम गया जो भी ढूंढेगा मैं उसको 50,000 दूंगा, वो भी पेपर में छापा हूं मैंने, बट ये क्या है, ये हो गया एक ऑफर, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर है, यही चीज यहाँ पे बताई गई थी। एक बार ध्यान से हम फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ते हैं, द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इशूड एन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट निकाला उन्हें, ये पेपर में आया था, इन विच द कंपनी ऑफर्ड टू पे £100 टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंजा, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंजा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कंपनी ने ऑफर किया टू पे £100 टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लुएंजा आफ्टर हैविंग यूज द स्मोक बॉल्स 3 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक्स, तो 2 हफ्ते तक दिन में 3 बार आप इनहेल करो, उसके बावजूद बीमार पड़ोगे तो फिर हम आपको 100 पाउंड दे देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस। मिसेस कार्लेल ऑन द फेथ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट बॉट एंड यूज द बॉल्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, उन्होंने लाए बराबर दिन में 3 बार 2 हफ्ते तक के उन्होंने उसको इनहेल किया। अब आपको सवाल आ रहा होगा सर कैसे पता उन्होंने बराबर टाइम पे लिया नहीं लिया, तो ये अपन मान लेंगे उन्होंने कोर्ट में प्रूव किया होगा, ठीक है, लेकिन अपन फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे, अपन लिखेंगे, अपन जब भी पढ़ेंगे अपन मान लेंगे कि फैक्ट्स आर क्लियर, ऐसा लिखा है उसमें कि ऐसा हुआ था तो हम मान लेंगे ऐसा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बराबर टाइम के हिसाब से, बराबर डायरेक्शंस के हिसाब से उन्होंने जो दवाई थी उसको यूज किया, बट नेवर दी लेस इसके बावजूद सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। शी सीड द कंपनी, सीड ने केस फाइल किया फॉर द प्रोमिस्ड रिवॉर्ड, द कंपनी वॉज हेल्ड लायबल, तो कंपनी लायबल थी, क्यों, सिंस इट वॉज अ जनरल ऑफर।
ठीक है, तो ये एक जनरल ऑफर था और इसीलिए ये पूरी तरह से वैलिड था। और जब आंटी जी ने वो दवाई लिए उसके बावजूद बीमार पड़ गए तो उनको पैसा क्लेम करने का अधिकार था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और कोई केस कोई आया मेरे को मैसेज, रेड बुल वाला एक केस, रेड बुल वाला भी एक केस है। मैंने वैसे आपको बताया था, रेड बुल वाला केस बताया था शायद आपको मैंने, रेड बुल इट गिव्स यू विंग्स वाली केस स्टडी, तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद है क्या? तो रेड बुल जो है, रेड बुल रहता है, रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, उसके ऊपर केस हुआ था। तो वहां पे $13 मिलियन क्लेम किया है। तो ये सब बड़े इंटरेस्टिंग केसेस है, होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं हुआ था बट ये भी केस हुआ है। तो रेड बुल वाला केस मैंने शायद आपको बताया था, एक मैकडोनल्ड्स वाला भी केस बताया था जहां तक के हॉट कॉफी केस, वैसे रेड बुल वाला केस है। तो रेड बुल में आपके कोर्स में नहीं है बट एग्जाम्पल है, बता देता हूँ। तो उसमें क्या हुआ था रेड बुल वाले केस में, कि एक व्यक्ति ने केस फाइल कर दिया कि रेड बुल पीने के बाद कंपनी बोलती है विंग्स आएंगे, मेरे को तो विंग्स नहीं आए। और खास बात यह है कि यहाँ पे $13 मिलियन क्लेम किए गए, पैसे देना पड़ा रेड बुल को, और रेड बुल ने इसीलिए उसके बाद टैगलाइन चेंज किया। तो अब वो इट गिव्स यू विंग्स नहीं बोलता है। अगर अब आप रेड बुल की टैगलाइन देखोगे तो उसमें लिखा रहता है इट गिव्स यू विंग्स, WIIINGS ऐसा लिखा है, विंग्स। अब विंग्स करके कोई चीज ही नहीं है। अब वो इवन एड में बोलते भी वैसे ही है, इट गिव्स यू विंग्स ऐसा बोलते हैं। तो ये इट गिव्स यू विंग्स जो था तो ये हटा दिया, किसी ने केस फाइल किया था इस पे कि मेरे तो पंख नहीं आए, तो भी उसको क्लेम करने मिला, उसको पैसा मिला, $13 मिलियन मिले उसको। ठीक है, तो मिलियंस में क्लेम किए जाते हैं देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भावनाओं के साथ खेला गया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता, ये उसकी भावनाओं के साथ खेला गया। उसको बोला गया तुम्हारे पंख आ जाएंगे लेकिन नहीं आए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं क्लेम किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वो सीधा सीधा इम्पॉसिबल में कवर होगा। बट अपन, इसीलिए मैंने क्लियरली बता दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस नहीं हुआ था, और भी कानून होते हैं। तो ये दूसरे कानून में केस हुआ था, इसमें बोला था कि आपने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, आप मेरे को ऐसा धोखा दे रहे हैं, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो जानबूझ के धोखा देना चाह रहे थे, तो इसीलिए उसको क्लेम करने मिला। ठीक है, तो अपन उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही, अगर मैं केस उठा लूँ तो वो केस को पूरा पढ़ते पढ़ते अपने को पूरा 4 घंटे ऐसे निकल जाएंगे, इतना डिटेल में बता सकते हैं अपन उस केस को। लेकिन अपने कोर्स में नहीं है वो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो इट इज सीधा सीधा वॉइड एब इनिशियो ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन वो दूसरे एक्ट में कवर होते हैं, कि जब आप भावनाओं के साथ खेलते हैं, इमोशंस के साथ खेल रहे हैं किसी के, तो ऐसे केसेस में क्लेम किया जा सकता है और मिलियंस में किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, ये आपको कोर्स में नहीं है। ठीक है, ऐसे एक हुआ था मैकडोनल्ड्स का हॉट कॉफी केस हुआ था। उसमें क्या हुआ था, बाहर की बात है, बाहर में इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है, इंग्लैंड US, वहां पे मैकडोनल्ड्स के ऐसे आउटलेट होते हैं, वहां से आप टेक अवे ले सकते हैं। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आप वहां पे बैठ के नहीं खाते, ऐसा कार लेके जाते हैं, कार से आप जाके वहां खड़े हो जाओगे, बाजू में काउंटर रहेगा, उसको पैसे दोगे और उससे कॉफी वगैरह ले लोगे। तो कॉफी लेके आप रख लेते हैं अपने कार में, गाड़ी में, और आप फिर आगे चले जाते हैं, और आगे जाके आप उसको खाते पीते हुए जा सकते हैं। तो ऐसा आउटलेट था एक, बाहर की बात है, US की, जहां तक की बात है, US या UK की बात है। तो वहां पे एक आंटी जी थी, वो गई, उन्होंने मैकडोनल्ड से हॉट कॉफी खरीदी और उनको पैसा दे दी, पैसा दी उसके बाद वो रख ली अपने साइड में और जाके आगे चली गई, गाड़ी चलाते हुए आगे चली गई। अब क्या की उसने, उसने वो कॉफी उठाई और उसे पैर के बीच में रखी और ऐसा खोलने को ट्राई की। अब खोलते टाइम वो हॉट कॉफी थी, खोली उसने और वो गिर गया उसके पैर में, और बहुत सीवियर बर्न्स हो गए उसको, जल गए उसके पैर। अब पैर इतने जल गए, अब यहाँ पे उसने केस फाइल की मैकडोनल्ड्स के ऊपर। मैकडोनल्ड्स को बोला देखो तुमने लिखा नहीं है गर्म है, और कितना गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है। तो गर्म है ठीक है, हॉट कॉफी है तो गर्म रहेगी, लेकिन इतना ज्यादा गर्म, तो इसीलिए उसने क्लेम की। और यहाँ पे भी उसको कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्लेम मिला, पैसा मिला। उसके बाद से आप मैकडोनल्ड्स के कभी भी कोई भी डब्बे देखो, कोई भी कैन देखो, उसमें लिखा होता है कि ये गर्म है, भले हॉट कॉफी है उसमें लिखा होगा कि इट इज हॉट, और इवन वो डिग्रीज लिखते हैं आजकल कि इतने डिग्री से इतने डिग्री तक के ये गर्म रहेगा, तो उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हॉट कॉफी वाला केस हुआ है एक्चुअली। आप गूगल पे टाइप करके देखो रेड बुल विंग्स केस, तो अपने आप आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी। गूगल पे टाइप करो मैकडोनल्ड्स हॉट कॉफी, तो मैकडोनल्ड्स HB आप टाइप करोगे तो आ जाएगा हॉट कॉफी केस। ठीक है, तो आप सिर्फ, या फिर मैकडोनल्ड्स भी टाइप करोगे तो उसमें दिखेगा हॉट कॉफी एक ना एक सजेशन में। ठीक
ठीक है, रेड बुल वाले में डालोगे तो रेड बुल में अपने आप वो आ जाएगा कि ये विंग्स वाला एक केस हुआ था। तो ये केसेस हैं, बट ये अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो खैर अपन उसके ऊपर अब डिटेल में नहीं जाते, तो अपने लिए जितना काम का है, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो ये जो केस है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, अगर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही तो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। जैसे मैंने श्रद्धा कपूर को बुलाया था खाने पे, नहीं आई, तो यहाँ पे कोई ऑफर नहीं था, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आपको पिताजी ने वादा किए कि बेटा तू सीए फाउंडेशन एक बार में पास हो जा, तेरे को मोबाइल लेके दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये सब क्या है, ये सब आपको गोली दी जा रही है, यानी आपको सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है, आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जैसे समझो मेरा भी केस है, मैं रोज दिन भर क्लास लेता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, फिर घर आता हूँ तो घर आके मेरी वाइफ कुछ ना कुछ बोलते रहती है, अरे वो आज तुम लाने वाले थे भूल गए, अरे वो मेरे लिए डायमंड की रिंग लाने वाले थे मैं भूल गया। अब मेरे को बड़ा किटकिट रहती है रोज की, घर पे आके दिन भर काम करो, घर पे जाओ, किटकिट होती है। मैंने उसको एक बार बोला कि एक काम कर, अभी एक तू अपने घर जाके क्यों नहीं रहती, मम्मी के घर जाके रह कुछ दिन। मैं बोला 1 महीने तू जा और 1 महीने बाद वापस आना, जब तू वापस आएगी तो मैं तेरे को मोबाइल फोन ले दूंगा, 50,000 का मोबाइल फोन ले दूंगा। अब यहाँ पे क्या ये ऑफर वैलिड है? आंसर इज नो। वो खुशी खुशी चले जाती है, वो जाती है बोलती है ठीक है मैं मम्मी के घर रह के आती हूँ, वो चली गई, अब मैं यहाँ पे मस्त खुश रहा, उसके अलावा मैं मोबाइल भी लेके नहीं देता हूँ। जब वो आती है वापस बोलती है अरे आप मोबाइल लेके देने वाले थे, मैं बोलता हूँ अरे काय का मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं, देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो मोबाइल क्लेम नहीं कर सकती। ये एक सोशल या डोमेस्टिक बातें हुई, यहाँ पे कोई ऐसा मोबाइल लेने का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया, ठीक है। भले मैंने बोला था कि मैं तेरे को मोबाइल लेके दूंगा जब तू वापस आएगी 1 महीने बाद, तो मैंने नहीं लेके दिया तो वो कुछ नहीं कर सकती। ये वैसे ही है जैसा बेलफोर वर्सेस बेलफोर का हमने केस देखा था, ठीक है। फिर यही बताया यहाँ पे, देखो, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इफ द ऑफर इज मेड टू क्रिएट ओनली अ सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशन, अगर सिर्फ सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। द ऑब्लिगेशन शैल नॉट बी लीगली बाइंडिंग। मियर इनविटेशन टू डिनर इज नो ऑफर। तो मैंने जब डिनर पे बुलाया था श्रद्धा कपूर को, तो ऐसे केसेस में इट वॉज नॉट एन ऑफर। एन ऑफर टू गो टू अ पिकनिक और एन ऑफर बाय अ फादर टू गिव अ मोबाइल टू हिज सन ऑन पासिंग सी ए फाउंडेशन एग्जाम्स आर एग्जाम्पल्स वेयर देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। या मेरा भी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ तू मम्मी के यहाँ जाके रहे, 1 महीने बाद आना, मैं तेरे को मोबाइल ले दूंगा। तो ये भी क्या है, ये इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा है, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और इसका अगर कोई संबंध हो, वैसे नहीं चाहे, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखो, बहुत ध्यान, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, मेरी वाइफ है, वो जाती है 1 महीना रह के आती है। अब मैं सोचता हूँ यार अपने को तो फायदा हुआ, 1 महीना अपने को शांति मिली, वो उधर थी तो अपने को कोई टेंशन नहीं था, अच्छे से रहे अपन, मस्त सोए एसी वेसी में मस्त, और कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, नहीं तो कुछ ना कुछ टेंशन रहता, काय का सोना, सोने मिलता नहीं प्रॉपर, जाओ ये काम करो वो काम करो, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ नहीं तो पंखा साफ कर दो। तो इन एग्जाम्पल्स का संबंध नहीं है, बट एग्जाम्पल है। अब मेरे को अच्छा शांति से रहने मिला घर पे, कोई टेंशन नहीं, तो मैंने बोला चलो यार अब इसको मोबाइल खरीद ही देते हैं। मैं जाता हूँ एक मोबाइल की दुकान में, मोबाइल की दुकान पे जाके मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे को एक 50,000 की रेंज में मोबाइल बताओ। अब वो बताता है मेरे को, बहुत सारे फोन बताया उसने, ये देखो सर ये आईफोन है, ये ओप्पो है, और बहुत सारे फोन बताया उसने, ये रियलमी है, फिर ये वन प्लस है, ऐसे बहुत सारे उसने मेरे को फोन बताया। अब यहाँ पे मेरे को एक भी पसंद नहीं आया, उसको भी एक भी पसंद नहीं आया, हम दोनों गए देख रहे हैं लेकिन एक भी पसंद नहीं आ रहा है हम दोनों को। अब यहाँ पे दोनों जनों को मोबाइल पसंद नहीं आए, अब मैं बाहर जा रहा था, जैसे हम लोग बाहर निकल रहे थे दुकान से, तो वो मेरे को रोक लेता है दुकान वाला, दुकान वो वाला बोलता है अरे शर्मा जी रुको इधर आओ, देखो अब आप बिना पैसे दिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देखो आप आए, मेरे को बोल रहा है वो, आप आए दुकान में, आपने मेरे को ऑफर किया कि मेरे को मोबाइल बताओ, यानी शर्मा जी ने ऑफर किया दुकानदार को मोबाइल बताओ,
मैंने मोबाइल दिखाया यानी मैंने एक्सेप्ट किया, दुकानदार ने एक्सेप्ट किया, तो यहां बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या दुकानदार सही बोल रहा है? आंसर इज नो, सही नहीं बोल रहा। क्यों? यहां भी तो ऐसे ही हुआ, मैं गया और मैंने बोला मोबाइल बताओ, उसने मोबाइल बताया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो नहीं, यहां पे ये ऑफर ही नहीं है। जब मैं जाता हूं और बोलता हूं मेरे को मोबाइल बताओ, ये ऑफर नहीं था, इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। मैंने उसको इनवाइट किया कि तुम मुझे ऑफर दो, मैंने उसको ऑफर नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखो क्या हुआ यहाँ पे। मैं गया और मैंने बोला कि 50,000 के रेंज के मोबाइल बताओ, उसने चार मोबाइल लाके बता दिया। तो यहाँ पे जब मैं उसको बोलता हूँ मोबाइल बताओ, मैंने उसको इनवाइट किया कि ऑफर दो, इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट। अब उसने फिर मेरे को ऑफर दिया, जब उसने मेरे को पांच मोबाइल बताया, ये पांचों मोबाइल मेरे लिए ऑफर है, ये 50,000 में ये भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, तो ये उसने बताया, तो ये हो गया एक ऑफर। अब मैं जब एक पर्टिकुलर मोबाइल उसमें से सिलेक्ट करूंगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो जब मैं दुकान में जाता हूं और मैं बोलता हूं मेरे को ये प्रोडक्ट बताओ, तो ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। वो जब प्रोडक्ट बताएगा तो दैट इज एन ऑफर, फिर मैं उसको हाँ बोलूंगा तब जाके एक्सेप्टेंस होगा। तो यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है? बाद में, आखिर में। पहले जब मैं जाके बोल रहा हूँ दुकान में मोबाइल बताओ, तो ये तो हम भी करते हैं। आप जब भी कोई मोबाइल खरीदना है तो क्या करते हो? आप जाओगे लोकल दुकान में, घूमोगे, चार दुकान घूमोगे, सब जगह फीचर्स देख लोगे, नए फोन देख लोगे, मस्त यूज कर लोगे, फोटो वोटो ले लोगे डेमो पीसेस पे। अल्टीमेटली खरीदते कहाँ से हो आप? तो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से। तो अल्टीमेटली खरीदते अपन ऑनलाइन है, बट हम लोग जाते हैं हर दुकान में और ढूंढ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑफर होता है? तो नहीं। तो इसीलिए आप बाहर आ सकते हैं क्योंकि आपने ऑफर किया ही नहीं था। अब ये इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है। अब फर्क क्या है, क्यों हम इसको ऑफर नहीं बोल रहे? क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एकदम फाइनल विलिंगनेस नहीं है, मैं एकदम प्रिपेयर्ड नहीं हूं कि मैं खरीद लूं, मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने गया हूं, मैं कुछ वहां पे जानकारी लेके आ रहा हूं कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो बताओ, जरूरी नहीं मैं खरीदू। तो यहाँ पे जब मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं वहां पे मैं फाइनल विलिंगनेस नहीं बता रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है, एकदम फाइनल विलिंगनेस नहीं है, इसीलिए हम उसको ऑफर नहीं बोलते। क्योंकि ऑफर में क्या है, ऑफर में फाइनल विलिंगनेस होना चाहिए, एकदम विलिंगनेस होना चाहिए, पूरी विलिंगनेस होना चाहिए कि मैं ये करना ही चाहता हूँ। यहाँ पे फाइनल विलिंगनेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं जानकारी इकट्ठा करने गया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बातचीत करने गया हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बस कुछ बातें पता लगे, कुछ चालू हो बात, तो इसको हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। यहाँ पे फाइनल विलिंगनेस नहीं होती, मैं एकदम प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं बाइंड नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जांच पड़ताल कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। जब हमने बात छेड़े हैं लेकिन हम पूरे तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो इन्विटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है? तो देखो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे और बताऊंगा, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को, तो आज ये पूरा नहीं हो पाएगा, आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा और उसके बाद अगले क्लास में भी ये चलेगा अपना। ठीक है, तो इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो ऑफर अलग चीज है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग चीज है। तो ध्यान दो पूरे अटेंशन के साथ, इन्विटेशन टू ऑफर और इन्विटेशन टू ट्रीट मीन्स सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपन, सो दैट द नेगोशिएशन कैन स्टार्ट। अभी हमने एकदम फाइनल नहीं डिसाइड किया, बट बातचीत चालू हो जाए, नेगोशिएशन चालू हो जाए, वो हम चाह रहे हैं। एंड द अदर पर्सन कैन बी मूव टू मेक एन ऑफर, हम आगे वाले से ऑफर मांगेंगे। जब मैं दुकान में गया और मैंने बोला कि मेरे को 50,000 के रेंज के मोबाइल बताओ, यहां पे मैंने ऑफर नहीं किया, मैंने इनवाइट किया आगे वाले को कि तुम ऑफर करो, फिर वो जब मेरे को ऑफर करेगा तब मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो उसने जब मोबाइल दिखाया तो दैट इज ऑफर, फिर मैं चाहूं तो कुछ खरीदूं, पसंद नहीं आए तो मैं बाहर जा सकता हूं। ठीक है, तो वही है, इट इज एन इंडिकेशन। तो देखो ध्यान रखो, इट इज एन इंडिकेशन दैट द इन्वाइटर इज विलिंग टू एंटर इन टू नेगोसिएशन बट इज नॉट येट प्रिपेयर्ड, नॉट येट प्रिपेयर्ड, नॉट येट प्रिपेयर्ड टू बी बाउंड बाई इट। तो मैं बाइंड नहीं होना चाहता, नेगोशिएशन करना चाह रहा हूं, जांच पड़ताल करना चाह रहा हूं, बातें करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं बाइंड हो जाऊं। तो दैट इज कॉल्ड एज एन इन्विटेशन टू ऑफर। अ रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन टू ट्रीट डज नॉट लीड टू एन एग्रीमेंट। तो जब मैंने इन्वाइट किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, तो क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं, वहां पे ऑफर आया। ठीक है, तो वही दिया है, इट इन फैक्ट
जनरेट्स दी ऑफर। तो इसमें ऑफर जनरेट होता है। तो जब मैंने उसको बोला कि मेरे को मोबाइल बताओ, तो ये ऑफर नहीं था, ये इनविटेशन था। उसने मोबाइल बताया, ये ऑफर था। मेरे को उनमें से कोई पसंद आया तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो ऐसा है। और दिया आगे प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस, तो शुरुआती जो नेगोशिएशंस होते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे वो एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार 3 करोड़ रुपए मिले तो अपनी कार बेच दूं, सोच रहा हूं, ये क्या, ये इनविटेशन टू ऑफर है। मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, लेकिन एक बातचीत मैंने छेड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं, सर मैं खरीदना चाहता हूँ, दैट इज एन ऑफर, आप खरीदना चाहते हैं तो ऑफर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। फिर मैं चाहूं तो एक्सेप्ट करूं, नहीं तो मैं मना कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ नहीं, अभी थोड़ी, बाद में देखूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो ऑफर ही नहीं था, ये इन्विटेशन था, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि मैं कुछ करना चाह रहा हूं, विल बी रिगार्डेड एज इन्विटेशन टू ट्रीट रादर देन ऑफर्स। दस अ सेल्स पर्सन इशूइंग अ कैटेलॉग, कैटेलॉग इशू होता है, कभी कभी हम दुकान में जाते हैं और वो कैटेलॉग देता है। कैटेलॉग का क्या मतलब है, उसमें चित्र बने होते हैं बहुत सारे बहुत सारे। जैसे लैपटॉप खरीद रहे हैं आप, तो आप कैटेलॉग लेके आते हैं, उसमें बहुत सारे चित्र बने होंगे कि ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। वो चित्र के साथ में फिर चीजें भी लिखी रहेगी, इसका मॉडल नंबर क्या है, इसमें कितने फीचर्स रहेंगे, रैम क्या है, रोम क्या है, वो सब चीजें रहेगी उसमें। तो ये क्या है, ये जो चित्र वगैरह बने हैं, पिक्चर्स बनी है, तो ये कैटेलॉग है। तो ये जो कैटेलॉग होता है जिसमें चित्र बने होते हैं, फोटोज बनी होती है, ये एक इनविटेशन है। यानी यहाँ पे कैटेलॉग दे दिया, उसका मतलब ये नहीं ऑफर हो गया। कैटेलॉग सिर्फ इन्विटेशन है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, फिर अपने को जब खरीदना है तब अपन सोचेंगे, ठीक है। तो वही दिया है। Thus, a salesperson issuing a catalog or price list informs the customer about the available products and their prices, makes an invitation to offer. So he is only making an invitation to offer. Any person desiring to buy any of those products will be making an offer which may or may not be accepted. ठीक है। तो ऑफर कब होगा, जब मैं जाके बोलूंगा हाँ हाँ ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ऑफर कर रहा हूं, तो मैंने कैटेलॉग देखा और जाके मैं ऑफर कर रहा हूं, ये वाला प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। फिर वो बोलेगा कि हाँ ये है, ये लो खरीद लो, तो फिर ऑफर कंप्लीट होगा। लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं, वो अब नहीं है, खत्म हो गया, तो वहां पे ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा है। डिफरेंस बिटवीन है, एक बार पढ़ लेते हैं। अपने को इस पे केस स्टडीज आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी, वो पूरा डिटेल में देखना है। ये अपना आगे तक चलेगा, कल भी अपना पूरा यही चलने वाला है, तो देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एग्जाम्पल्स ही आएंगे आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब एग्जाम्पल्स आएंगे, तो देखेंगे अपन कैसे आ सकते हैं, किस प्रकार से लिखना है, वो सब पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों का डिफरेंस। एन ऑफर इज एन इंडिकेशन, पहला पॉइंट जो होता है वो मीनिंग होता है, मीनिंग या डेफिनेशन। तो ऑफर एक इंडिकेशन है बाय वन पर्सन दैट ही इज प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है कि वो ये चीज करना चाहता है, फाइनल विलिंगनेस होती है वहां पे, ठीक है। टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्टन टर्म्स। एन इनविटेशन टू ऑफर इज अ स्टेटमेंट, तो इनविटेशन टू ऑफर क्या है, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट। तो इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन विथ अ व्यू टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। एलिसिट यानी निकालना, रिस्पॉन्स निकालना चाह रहा है वो, ही वॉन्ट्स टू नो द रिस्पॉन्स, एलिसिट यानी निकालना। एंड नेगोशिएटेड डील विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये फाइनल विलिंगनेस नहीं बताता है, जैसे ऑफर है, ऑफर में फाइनली प्रिपेयर्ड है वो, बट इन्विटेशन टू ऑफर में फाइनल विलिंगनेस नहीं है। वो चाह रहा है कि बातचीत चालू हो जाए, बट वो फाइनल विलिंगनेस नहीं बता रहा, ठीक है। फिर वेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, जब ऑफर एक्सेप्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस। लेकिन जब इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होगा तो इट जनरेट्स एन ऑफर, मैंने इनवाइट किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इट इज ओनली एन ऑफर, ठीक है। तो दिया है, एन इनविटेशन टू ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड जनरेट्स एन ऑफर, ठीक है। एग्जाम्पल्स में पहला पॉइंट अभी देख लेते हैं, बाकी के पॉइंट बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट और ऊपर जो अपन ने केस लॉ एक छोड़ा है वो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, तो वो केस लॉ अपन अभी देखेंगे, ठीक है। कैटेलॉग ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर, कैटेलॉग ऑफ गुड्स, कैटेलॉग यानी जो चित्र बने होते हैं, वो ऑफर नहीं है, बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी, ये ध्यान रखो। सो ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी,
सो इट इज ऑल्सो ओनली एन इन्विटेशन, ठीक है? तो ऐसा है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी समझेगा थ्रू दिस केस लॉ। अब आते हैं हम ये इंपॉर्टेंट केस लॉ पे, हार्वे वर्सेस फेसी, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हो जाएगा, देखेंगे अपन पूरा। सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ, आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कवर्ड है, वो होगा सॉल्व, ठीक है? तो पहले मैं जो समझा रहा हूं, एक बार पूरा इनविटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट समझ जाए ना, अपन जब पूरा कर लेंगे उसके बाद मैं पूछूंगा कोई सवाल है क्या, और उस टाइम आप बोलोगे सर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कवर हो चुका रहेगा। एक इंपॉर्टेंट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे ध्यान दो, ठीक है? 100% अटेंशन यहां पे रखो, आपको समझेगा। पहली चीज, दो जन थे, एक था हार्वे, दूसरा था फेसी। तो दो जन थे हार्वे एंड फेसी, दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। फेसी के पास होता है एक बहुत बहुत बड़ा हॉल, एक सभागृह टाइप, एक सेलिब्रेशन हॉल होता है। तो ये जो हॉल होता है इसका नाम होता है बम्पर हॉल पेन। तो बम्पर हॉल पेन है, पेन नाम है बट पेन नहीं रहता है वो, इनफैक्ट इट इज अ हॉल, ठीक है? तो बम्पर हॉल पेन होता है, जैसे सेलिब्रेशन हॉल होते हैं वैसा एक हॉल होता है। एच को लगता है यार ये हॉल अपने को चाहिए, एच खरीदना चाहता है, हार्वे वॉन्ट्स टू बाय दिस हॉल। एच क्या करता है, एच टेलीग्राम लिख के भेजता है। टेलीग्राम हुआ करता था पहले, आजकल नहीं होता है, टेलीग्राम ऐप की बात नहीं हो रही तो टेलीग्राम ऐप पे हाँ, और टेलीग्राम से याद आया कि आप टेलीग्राम का ऐप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है मेरा टेलीग्राम के ऐप में चैनल, तो आप कर लो, क्योंकि उसमें मैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो उसमें डालते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम में जब सर्च करोगे सीए शशांक शर्मा तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर लो, तो उसमें आपको कॉन्स्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है? कि कौन सी नई चीज आई इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में, तो ये सब आपको उसके थ्रू पता लगेगा, ठीक है? तो उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशनल मैसेजेस आते हैं और उसमें और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ जो काम की चीजें हैं वो मिलते रहेगी आपको, ठीक है? तो ऐसा है। तो हाँ, तो टेलीग्राम पहले हुआ करता था, तार, आपने नाम सुना होगा तार ऑफिस, तार भेजना है, तो तार भेजना है ना, ऐसा नहीं तार निकाले और भेज दिए, तार नहीं, तार यानी टेलीग्राम। टेलीग्राम में क्या होता था, टेलीग्राम भेजे जाते थे वर्ड्स में, जैसे एक एक वर्ड पे वहां पैसा लगता था, एक एक इनफैक्ट अल्फाबेट का पैसा लगता था, इसीलिए टेलीग्राम शॉर्ट में भेजे जाते थे कि विल यू बाय, विल यू सेल, ऐसे करके। तो सिर्फ हेलो हाय नहीं, डियर फ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा शॉर्ट में, क्योंकि हर एक पॉइंट का, हर एक चीज का पैसा लगता था उसमें। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हार्वे को ये हॉल खरीदना था, तो हार्वे ने फेसी को टेलीग्राम लिख के भेजा। टेलीग्राम में उसने क्या किया, टेलीग्राम में सबसे पहले तो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। हाँ, टेलीग्राम में उसने क्या लिख के भेजा, उसने भेजा विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन। उसने पूछा क्या तुम ये हॉल मेरे को बेचोगे, ठीक है? तो पहला सवाल उसने पूछा विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन। दूसरा सवाल पूछा टेलीग्राफ इज इट्स लोएस्ट कैश प्राइस, लोएस्ट प्राइस कितना है वो लिख के भेजो। तो देखो दो सवाल पूछा है इसने, हार्वे ने, पहला सवाल कि क्या तुम जो बम्पर हॉल पेन है, हॉल है वो बेचोगे, दूसरा सवाल इसका जो लोएस्ट कैश प्राइस है वो मेरे को बताओ, ठीक है? तो दो सवाल पूछा उसने, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, दूसरा सवाल टेलीग्राफ इट्स लोएस्ट कैश प्राइस। फेसी ने भी टेलीग्राम से रिप्लाई किया। फेसी ने क्या भेजा, फेसी ने जब रिप्लाई भेजा उसने सिर्फ ये लिख के भेजा कि जो लोएस्ट प्राइस है इज 900 पाउंड, 900 पाउंड उसका लोएस्ट प्राइस है, ठीक है? तो लोएस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड, ये उसने बताया। अब क्या हुआ, जैसे ये आया कि 900 पाउंड उसका प्राइस है, हार्वे सेकेंड टेलीग्राम भेजता है और वो बोलता है आई एग्री टू बाय। वो बोलता है मैं खरीदने को तैयार हूं जो 900 पाउंड तुम बोल रहे हैं उतने पैसे में।
अब इसके बाद फेसी ने कोई रिप्लाई नहीं भेजा। ध्यान से देखो, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वे ने पहला टेलीग्राम भेजा, पहले टेलीग्राम में उसने क्या बोला, क्या तुम बम्पर हॉल बेचोगे और उसका जो लोएस्ट प्राइस है वो मेरे को भेजो। फेसी ने रिप्लाई भेजा, लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड। इसके बाद हार्वे बोलता है ठीक है, मैं 900 पाउंड में खरीदने को तैयार हूं। इसके बाद फेसी कोई भी रिप्लाई नहीं भेजता, इसके बाद फेसी ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब कुछ टाइम बाद हार्वे पहुंच जाता है फेसी के ऑफिस में और बोलता है अरे वो हॉल बेचने वाले थे तो चलो हॉल का मेरे को मैंने पैसा लेके आया हूँ, मेरे को हॉल की चाबी वगैरह दे दो। ये बोलता है नहीं, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, हॉल बेचने की कभी बात ही नहीं हुई। अब झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में। हार्वे बोलता है नहीं, अपनी क्लियर बात हुई थी, तुम बेचने वाले थे। फेसी बोलता है नहीं, मैं बेचने की बात ही नहीं किया कभी। अब कोर्ट में केस जाता है, झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट पूछता है क्या हुआ था, ये बताता है देखो जी मैंने इसको सवाल पूछा कि क्या तुम हॉल बेचोगे और उसका जो लोएस्ट प्राइस है वो मेरे को बताओ। फेसी से पूछते तुमने क्या भेजा, फेसी बोलता है मैंने बोला लोएस्ट प्राइस है 900 पाउंड। हार्वे बोलता है हाँ और मैंने तुरंत बोला कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोर्ट बोलता है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फेसी ने जब रिप्लाई भेजा कि 900 पाउंड उसका प्राइस है, तो क्या फेसी ने ये बोला वो बेचना चाह रहा है? आंसर इज नो, उसने बेचने का तो आंसर ही नहीं दिया। जब इसने पूछा था क्या तुम बेचोगे, तो फेसी ने ये बोला ही नहीं कि हाँ मैं बेचूंगा, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि लोएस्ट प्राइस उसका 900 पाउंड है। और इसीलिए इसने विलिंगनेस नहीं बताया, इसने विलिंगनेस नहीं बताया, इसीलिए ये ऑफर नहीं है। ये क्या है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। और इसीलिए जब ये इनविटेशन टू ऑफर था और एच बोलता है कि ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूं, इनफैक्ट दिस इज एन ऑफर, बट इसके बाद फेसी ने कुछ रिप्लाई ही नहीं भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी आंसर नहीं आया, और इसीलिए यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो यहां मैं एक और इसकी लेबलिंग कर देता हूं, ये जो है ये क्या है, यह है इनविटेशन टू ऑफर। डायग्राम्स बना लिया करो। फिर जब इसने रिस्पॉन्स भेजा कि लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड है, इसने भी इच्छा नहीं बताया, और इसीलिए ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर में दोनों चीज होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए। इसकी तो विलिंगनेस ही नहीं थी, इसने बताया ही नहीं कि वो बेचना चाह रहा है, और इसीलिए जब इसने 900 पाउंड बताया तो इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर था। और जब ये खरीदने को तैयार है तब एक्चुअल में ऑफर होता है, बट इट वॉज नेवर एक्सेप्टेड बाय फेसी। फेसी ने इसके बाद कोई टेलीग्राम नहीं भेजा, कोई एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, और इसीलिए यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है। तो ये केस आपका इंपॉर्टेंट है। एच दो टेलीग्राम भेजता है, पहला टेलीग्राम जिसमें वो बोलता है कि आप बेचोगे और उसका लोएस्ट प्राइस बताओ, फेसी रिप्लाई करता है लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड है। ये फिर सेकेंड टेलीग्राम भेजता है कि मैं खरीदना चाहता हूं, तो सेकेंड टेलीग्राम वॉज एन ऑफर, सेकेंड टेलीग्राम बाय हार्वे वॉज एन ऑफर, ठीक है। तो ये एक केस है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, इट वॉज ओनली एन ऑफर। फेसी ने इसके बाद कोई आंसर नहीं दिया और इसीलिए ये हॉल बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये केस एक बार बस रीड कर लेते हैं अपन और इसके बाद अपनी कक्षा को विराम देंगे। आज थोड़ा लेट हो गए बट चलता है, एक अभी पढ़ लो, ये साथ में कंटिन्यू करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेसी illustrates nicely the concept of offer. Harvey sent a telegram to Facey, will you sell us your bumper haul pen? Pehla question, telegraph lowest cash price. Dusra question, Facey replied also by a telegram, lowest price for bumper haul pen, pound 900. Harvey immediately sent second telegram, we agree to buy bumper haul pen for a sum of pound 900 asked by you. There was no reply from Facey. Hence, there was no concluded contract between Harvey and Facey. In the first telegram, Harvey asked two questions, first as to willingness to sell and second as to lowest price. Facey answered only the second question and gave the lowest price. He reserved his answer to willingness to sell. Usne willingness bataya hi nahi. Thus, he made no offer. The second telegram by Harvey was an offer to buy, but it was never accepted by Facey. Mere statement of lowest price in which a vendor would sell contains no implied promise to sell at that price to the person making the inquiry. ठीक है, तो सिंपल है ये वाला जो केस है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी मतलब, इसका भी लाइन का वही मतलब होता है,
स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी, इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन. तो यहां वैसे ही हुआ था हार्वे वर्सेस स्पेसी में, इसने इंक्वायरी किया हार्वे ने और इसने उसका लोएस्ट प्राइस बता दिया, तो इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट वॉज नॉट एन ऑफर. ठीक है, एक बार घर पे आप पढ़ो और इसके बाद कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में अपन वो देखेंगे. आज थोड़ा अपन लेट हो गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, बट ठीक है, चलता है, एक आध दिन होता है ऐसा. तो कल देखेंगे अपन, बाकी की चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे और जो भी क्वेश्चंस है वो अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे. एक ही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को आर्यन का, तो वो क्लियर हो जाएगा जब अपन आगे पढ़ेंगे, कल के क्लास में वो अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहाँ पे विराम देते हैं. चलो, थैंक यू.